जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज आपके लिए लेके आए हैं टेस्ट फॉर OH ग्रुप इन एल्कोहल्स। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट द गिवन कंपाउंड इज एल्कोहल और नॉट, कि आपको ये बताना है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया गया है वो एल्कोहल है या नहीं है। तो इसका पता चलेगा हमें OH ग्रुप के टेस्ट करने से, क्योंकि आप जानते हैं एल्कोहलिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH ग्रुप होता है। अगर आपके गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्कोहल होगा, लेकिन अगर OH ग्रुप का टेस्ट निगेटिव आता है तो वो एल्कोहल नहीं है। तो आइए जानते हैं OH फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट। One can identify that the given organic compound is alcohol by using following three reactions or tests. बच्चों कोई भी आदमी इन तीन reactions की help से ये पता कर सकता है कि जो organic compound आपको दिया गया है वो alcohol है भी या नहीं। तो आइए जानते हैं वो तीन test या तीन reaction कौन सी हैं। पहला है बच्चों sodium metal test। Bubbles of dihydrogen gas are given off as piece of any metal is added to the sample. अगर आप दिए हुए organic compound के sample में एक छोटा सा sodium metal का piece डाल देते हैं तो बच्चों वहां से तेजी से निकलती है hydrogen gas। बच्चों ये हमारा alcohol है। जैसे ही हम alcohol में sodium metal piece डालते हैं room temperature पर ही reaction हो जाती है, डालते ही reaction हो जाती है और बन जाता है हमारा sodium alkoxide और hydrogen gas बाहर आ जाती है। इस reaction से हमको ये idea होता है कि जो हमारा given organic compound है वो alcohol हो सकता है। confirmation नहीं है, पक्का नहीं हुआ है, तो बाकी दो test करने से हमको पक्का हो जाता है। दूसरा है बच्चों PCl5 test। If the mixture becomes warm with evolution of HCl gas when PCl5 adds to it confirms alcoholic OH group। जैसे ही आप दिए हुए सैंपल में PCl5 ऐड करते हैं तो आपका जो मिक्सचर है वो गर्म हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब आपकी गर्म हो जाएगी और उससे HCl गैस बाहर निकलने लगती है और इससे ये हमारा कंफर्म हो जाता है कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें OH फंक्शनल ग्रुप है, इसका मतलब कि वो एल्कोहल होगा। देखिए यहाँ पे हमने एल्कोहल लिया, एल्कोहल में PCl5 ऐड किया। बच्चों आप जानते हैं कि यहाँ पर आपने केमिकल प्रॉपर्टी में देखा था कि यहाँ पे RO का बॉन्ड क्रैक होगा, OH बाहर निकल जाएगा और PCl5 से एक Cl यहाँ पर आएगा, बनेगा हमारा RCl एल्काइल हैलाइड POCl3 और HCl गैस। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि HCl गैस तो सर हमको दिखाई नहीं देती है, तो कैसे चलेगा कि कैसे कंफर्म होगा कि दिया हुआ कंपाउंड एल्कोहल ही है। तो आपको करना क्या है कि जो टेस्ट ट्यूब के अंदर आप रिएक्शन कराते हैं PCl5 ऐड करते हैं, उस टेस्ट ट्यूब के मुंह पे आप अमोनिया की एक डिप्ड रोड लेके आइए, अमोनिया की भीगी हुई छड़ लेके आइए, ग्लास रोड, तो आपका जो HCl है वो अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा और टेस्ट ट्यूब के मुंह पे आपको व्हाइट फ्यूम्स दिखाई देंगे जो ये कंफर्म करती हैं कि आपकी रिएक्शन में HCl गैस निकल रही है। क्लियर है आपको? तो ये था हमारा PCl5 टेस्ट जिससे क्लियर हो गया कि हमारा दिया हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्कोहलिक। बच्चों एक और कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, आइए जानते हैं तीसरे टेस्ट को। थर्ड है एसिटाइल क्लोराइड और बेंजोइल क्लोराइड टेस्ट। एन ऑयली लेयर ऑफ द एस्टर एंड इवोल्यूशन ऑफ HCl गैस अपीयर व्हेन सैंपल रिएक्ट्स विद एसिटाइल और बेंजोइल क्लोराइड। जैसे ही आप दिए हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड में एसिटाइल क्लोराइड या फिर बेंजोइल क्लोराइड ऐड करते हैं तो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, उस कंटेनर के अंदर आपको ऊपर की तरफ एक ऑयली लेयर मिलती है जो कि एस्टर की होती है और इससे क्लियर हो जाता है कि जो कंपाउंड हमें दिया है वो एल्कोहल ही है। आओ जानते हैं रिएक्शन के साथ। ये हमारा एसिटाइल क्लोराइड है, ये हमारा मिथेनॉल है। बच्चों दोनों को ऐड किया, जैसे ही ऐड करेंगे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर कुछ ऐसे रिएक्शन जाएगा और बच्चों यहाँ से HCl निकल जाएगा और ये दोनों पार्ट आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ये हमारा एस्टर बन गया है और जो ये एस्टर बनता है ये टेस्ट ट्यूब के ऊपर हमको एक ऑयली लेयर की फॉर्म में दिखाई पड़ता है और HCl गैस एज अ साइड प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे एसिटाइल क्लोराइड ना लेके एल्कोहल के साथ में हम लोग बेंजोइल क्लोराइड ले लें तो यहाँ पर भी एस्टर ही बनने वाला है। बच्चों कुछ इस तरीके से HCl गैस निकलेगी यहाँ से और ये दोनों पार्ट जुड़ जाएंगे, ये हमारा एस्टर बना और ये एस्टर जो है ये टेस्ट ट्यूब में आपको ऊपर की तरफ एक ऑयली लेयर की फॉर्म में साफ साफ दिखाई पड़ता है।
पड़ता है। तो बच्चों आज हमने तीन टेस्ट पढ़े, पहला पढ़ा सोडियम मेटल टेस्ट, जिससे हमको आइडिया हो जाता है कि हो ना हो हमारा कंपाउंड एल्कोहल हो सकता है। लेकिन जो दूसरा और तीसरा टेस्ट है, दूसरा टेस्ट था हमारा PCl5 टेस्ट और तीसरा था हमारा एसिटाइल क्लोराइड टेस्ट, इनसे हमको कन्फर्म हो जाता है कि दिया हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्कोहल ही है, क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप के पॉजिटिव टेस्ट हमको मिलते हैं। होपफुली ये वीडियो सबको क्लियर हुआ होगा बच्चों। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बच्चों लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है ऐसे और बेहतर वीडियो लाने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।